Good morning, dear students. Welcome back in maths class. So let us continue with the fractions, and we are going to start exercise 5B today. So पहले हमने fractions and like fractions, then proper fractions, then improper fraction हमने सीखा है. ठीक है, तो proper fractions क्या होते हैं? जिसमें कि आपका denominator bigger होगा numerator से. ठीक है, और improper fraction में क्या होगा? जो कि आपका, अगर आपका डिनोमिनेटर स्मॉलर हुआ न्यूमिरेटर से, तो वो क्या बन जाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस में क्या था बेटे? लाइक फ्रैक्शंस में आपके जो डिनोमिनेटर्स थे एक जैसे थे. फॉर एग्जांपल 1/7, 2/7, 3/7, जिसमें 4/7, जिसमें कि डिनोमिनेटर क्या है? 7 है. सो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5B, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 यू विल बी डूइंग योर सेल्फ. क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस विद द डिनोमिनेटर 5. अब हमें क्या चाहिए? 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस चाहिए जिसमें कि आपका डिनोमिनेटर क्या है? 5 होना चाहिए. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का मतलब क्या है? जिसमें डिनोमिनेटर आपका क्या है? स्मॉलर हो गया. ठीक है, तो हमने डिनोमिनेटर स्मॉल चाहिए, तो उसके लिए हमने सबसे पहले सपोज कर लिया, अब 5 से बड़ा नंबर ही लेना ना, क्योंकि आपका न्यूमिनेटर बिगर होगा और डिनोमिनेटर स्मॉल होगा. तो हमने लिख लिया 6/5, उसके बाद 7/5, 8/5, कोई भी नंबर ले सकते हो. जरूरी नहीं कि सीक्वेंस वाइज ही लेना है, आप 10/5 भी ले सकते हो. हमें 6 चाहिए, देन यू कैन टेक 11/5. ठीक है, देन यू कैन टेक 12/5. तो आपके 6 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये 6 आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गए. नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. अब आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है. इसको क्या बोलते हैं आपको पता है? दिस इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन. ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन है, एक आपका होल पार्ट है और दूसरा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है. ठीक है, तो इनको जब हमने इम्प्रॉपर में किस तरह से कन्वर्ट करना है वो सीख लो बेटे. पहले हमने क्या करना है? डिनोमिनेटर को इस होल पार्ट से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, तो डिनोमिनेटर आपका 7 था, 7 × 5 प्लस ये जो आपका न्यूमिरेटर, उसमें आप एड कर दोगे न्यूमिरेटर को. ठीक है, तो आपके पास डिनोमिनेटर में सेम ही रह जाएगा 7, तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर में? 7 × 5 = 35 होते हैं. 35 + 5/7, तो क्या आ जाएगा? 40/7. ये आपका आंसर आ गया, 40/7. ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया. कैसे हो गया? क्योंकि आपका न्यूमिरेटर बिगर है डिनोमिनेटर से. इसी तरह से आपका फिफ्थ पार्ट देख लो, 10 × 9/14 है. तो सेम हमने क्या किया? डिनोमिनेटर को होल पार्ट से मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 14, और जो ऊपर न्यूमिरेटर था वो हमने ऐड कर दिया. तो 10 × 14 क्या हो जाता है? 140 + 9/14. तो 140 + 9 क्या बन जाएगा? 149/14. ये आपका आंसर हो गया. अब आपका सेवन पार्ट, इसका एक और पार्ट कर लेते हैं. आपके पास है 8 × 8/13. अब क्या करेंगे? 13 आपका डिनोमिनेटर, 13 को आपने होल पार्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, 13 × 8, और न्यूमिरेटर में क्या है? 8 है, ओवर 13. तो आपके पास 13 × 4 क्या होते हैं? 104 होते हैं. 104 + 8, ठीक है, ओवर 13. तो 104 + 8 = 112/13. ये आपका आंसर आ गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन. ठीक है, आप देखो क्या है, आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखे हैं. 17/5 क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. अब इसको हमने किसमें कन्वर्ट करना है? मिक्स फ्रैक्शन में. इसके लिए हमने सबसे पहले देखो, डिनोमिनेटर क्या है? 5 है, न्यूमिनेटर आपका 17 है. तो सबसे पहले आपने क्या करना है? डिनोमिनेटर का मतलब डिवाइजर भी होता है. डिनोमिनेटर से नंबर को डिवाइड कर दोगे, न्यूमिरेटर को डिवाइड कर दोगे. तो 5 एज डिवाइजर और 17 एज डिविडेंड रख लेंगे. ठीक है, आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5 × 3 = 15 हो गया, 2 बच गया. ठीक है, अब आपके पास रिमाइंडर 2 है. ठीक है, क्वेश्चन क्या है?
थ्री है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, जब हमने मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है, कन्वर्ट करना है, क्वोशेंट इज टू क्यू, मैंने सिंपल फॉर्म लिखी है, शॉर्ट फॉर्म क्यू मीन्स क्वोशेंट, क्वोशेंट इज टू रिमाइंडर, आर मीन्स रिमाइंडर ओवर डिनोमिनेटर, या डिवाइजर भी बोल सकते हो, ओवर डिनोमिनेटर। अब हमारे पास देखो क्वोशेंट क्या है, थ्री है, रिमाइंडर क्या है, टू है, और डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा, दैट इज फाइव। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, पार्ट सेकंड, सिक्स का पार्ट सेकंड, 62/7 है, ठीक है। फिर से हमने क्या किया, सेवन को एज ए डिवाइजर मान लिया और 62 को डिविडेंड मान लिया। अब डिवाइड करेंगे, सेवन एट सा 56 होते हैं, अब 12 - 6 = 6, यहां पर जीरो आ गया, तो क्वोशेंट आपका 8 और रिमाइंडर क्या है, 6। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, क्वोशेंट इज टू रिमाइंडर ओवर डिनोमिनेटर, क्वोशेंट 8 था, रिमाइंडर 6 है, डिनोमिनेटर 7 है, दिस इज द आंसर। ये आपका सिक्स क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कंपेयर करना है 1/2 और 1, इन दोनों में से कौन सा बिगर है। अब देखो 1/2 का मतलब है, 1/2 को जब हमने डिवाइड किया आपके पास 0.5 आ रहा, ठीक है, तो 0.5 अगर बड़ा है कि 1 बड़ा, दैट ऑब्वियसली 1 इज बिगर। सेकंड वन है 6/6, ठीक है, एंड 1। अब 6/6 को जब हमने कटिंग करी तो आपके पास 1 ही आंसर रहा, मतलब दोनों की इक्वल हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2 में देखो, ड्रॉ अ नंबर लाइन, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है फॉर द फ्रैक्शन, ये आपके फ्रैक्शन दे रखे, ये रिप्रेजेंट करने हैं। अब हमने सेम बेटे नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और डिनोमिनेटर में क्या है, 8 है, दैट मीन्स हमने 8 इक्वल पार्ट्स बना लेनी है, ठीक है। 8 नंबर्स हमने कर लिए, 0 से स्टार्ट किया नंबर लाइन में, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इक्वल पार्ट्स हो गए, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, सब जगह 8 है, तो हमने इन सारे नंबर्स को 8 से डिवाइड कर दिया, 2 को भी 8 से, 3 को भी 8 से। अब देखो 4 हमें नहीं चाहिए तो हमने इसको रिमूव कर दिया 4 को, ठीक है। उसके बाद 5/8 हो गया, अब 6 भी नहीं उन्होंने बोला हुआ तो हमने 6 को भी हटा दिया, एंड 7/8, ओके। तो 8 को 8 से करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, 1 आता है, तो इसको भी हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो आपके पास ये नंबर हो गए जिनको हमने फ्रैक्शन नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5C करेंगे। एक्सरसाइज 5C स्टार्ट करने से पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं ये हमने पता करना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं टू और मोर फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटिंग सेम पार्ट ऑफ अ होल, मतलब दो फ्रैक्शंस जो हैं सेम एक ही सेम होल पार्ट को रिप्रेजेंट करें, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने या तो सेम नंबर से डिवाइड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब पार्ट 1 देख लो, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर। अब देखो यहां पर हमने मल्टीप्लाई करके बोला हुआ, मल्टीप्लाई करके ही फाइंड आउट होंगे, ऑब्वियसली 2/3 है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 2/3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमिनेटर को भी 2 से और डिनोमिनेटर को भी 2 से। उसके बाद सीक्वेंस वाइज चलेंगे, फिर 3 से किया 2 × 3 एंड 3 × 3, फिर 4 से किया 4 × 2, 3 × 4 और 5 से किया, देन लास्ट में 6 से कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 4/6 आ रहा, देन 6/9, उसके बाद 8/12 और 10/15 और लास्ट में 12/18 आ रहा। ये आपका आंसर हो गया फॉर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब इनको आप जब आप रिड्यूस करोगे ना, सबका ही आंसर क्या आ रहा है, 2/3। अगर आप इनको सबको रिड्यूस करके देखोगे तो इनका आंसर क्या आ रहा है, इक्वली आ रहा है, दैट इज 2/3 ही आएगा। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब बेटे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होंगे, मतलब कि दोनों तरफ दोनों इक्वल होंगे, जैसे यहां पर 5/6 है तो यहां पर आपके पास इधर भी 5/6 होना चाहिए। या फिर एक और दूसरा मेथड है, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब हमने मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो दोनों सेम होने चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट, आई विल टेल यू हाउ टू डू। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में आपने ये 6 को 20 से कर दिया और ये जो 24 है इसको आपने 5 से कर दिया, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गई। तो ये इसमें आपके यहाँ लिखेंगे 5 × 24, दैट इज हमने इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 120। इसी तरह से 6 को 20 से किया,
120, मतलब दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया यू आर गेटिंग 120 120, दैट मीन्स ये दोनों ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुए। अगर ये सपोज मल्टीप्लीकेशन एक जैसे नहीं है दैट मीन्स द फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। और एक दूसरा मेथड है, इसको रिड्यूस कर देंगे, 20/24 को हम रिड्यूस कर देंगे, कौन से कॉमन टेबल से जा रहे हैं, दैट इज ये आपके 4 से जा रहे हैं, ठीक है। जब हमने 4 से किया डिवाइड तो आपके पास क्या आ रहा है, 5/6 ही आएगा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, दैट इज 5/6 इज इक्वल टू 5/6, ठीक है। ये ऑल्टरनेट मेथड है। अब नेक्स्ट इसका पार्ट 5 देख लो, 1/3 एंड 9/24 है, इसमें भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कैसे करेंगे, 1 को 24 से एंड 3 को 9 से, 1 × 24 एंड 3 × 9, दैट इज ये 24 हो गया, 9 × 3 = 27। अब 24 और 27 दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स द फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5 हैविंग, अब इसमें डिनोमिनेटर 30 दे रखा है फर्स्ट पार्ट में, पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, इसमें डिनोमिनेटर 30 दे रखा है, हमें फ्रैक्शन क्या दे रखा है, 3/5, ठीक है। अब डिनोमिनेटर यहां पर हमारे पास है क्या, एक्चुअल में 5 डिनोमिनेटर है, अब 30 और 5 दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है, मतलब 30 को आप 5 से डिवाइड करके देख लोगे तो आपके पास क्या आ रहा, 6 आ रहा, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या किया आपने, हमने 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 30 आ जाएगा, या फिर दूसरा मेथड है कि 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 30 आ जाए, 5 × 6 = 30 होते हैं, तो क्या हुआ, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 6 एंड 5 × 6, आपके पास क्या आ जाएगा, 18/30, ये 30 हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला है न्यूमिरेटर, हमें 24 चाहिए, अब न्यूमिरेटर मतलब यहां पर 3 की जगह हमें क्या चाहिए, 24, जो चीज बोली उसी को कंपेयर करना है। अब न्यूमिरेटर और न्यूमिरेटर को हम कंपेयर करेंगे, मतलब 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 24 हो जाए, दैट इज 3 × 8 = 24 होते हैं, यहां आप ऐसे भी करके देख सकते हो, 24 / 3 दैट इज 8 होता है, तो मतलब 3 × 8 एंड 5 × 8 किया, आपके पास क्या आ जाएगा, 24/40, मतलब न्यूमिरेटर आपके पास 24 आ गया, आपका आंसर आ गया, रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में रीड आउट करेंगे, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 24/30 विद न्यूमिरेटर 4, हमें न्यूमिरेटर 4 चाहिए, ठीक है, बट यहां पर हमारे पास गिवन फ्रैक्शन में न्यूमिरेटर क्या है, 24 है, ठीक है। टू गेट द रिक्वायर्ड न्यूमिरेटर हम क्या करेंगे, 24/4 कर देंगे, आपके पास 6 आ रहा, ठीक है, दैट मीन्स आपने 24 को 6 से डिवाइड करोगे, 30 को भी 6 से डिवाइड करोगे, 24/6 दैट इज 6 × 4 = 24 होते हैं, 30 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5 × 6 = 30 होते हैं 5, 4/5 आपका आंसर आ गया, हमारा न्यूमिरेटर क्या है 4 आपके पास आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया हमारा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास फ्रैक्शन दे रखे हैं 36/48, न्यूमिरेटर हमें 9 चाहिए, ठीक है, न्यूमिरेटर 9 चाहिए, मतलब न्यूमिरेटर यहां पर क्या है, एक्चुअल में 36 है, जो चीज बोले उसी को कंपेयर करना है बेटे। अब उसने न्यूमिरेटर बोला ना कि हमें 9 चाहिए, तो हमने न्यूमिरेटर ही देखना कि न्यूमिरेटर क्या है, 36 है यहां पर, मतलब न्यूमिरेटर और न्यूमिरेटर को कंपेयर कर लो, 36 को 9 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, दैट मीन्स इन दोनों को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी एक चीज ध्यान रखनी है कि ये देखो न्यूमिरेटर हमारे पास गिवन तो बड़ा नंबर है और पोला क्या है, स्मॉलर नंबर है, दैट मीन स्मॉलर नंबर कैसे पता लगेगा आपको, कैसे मिलेगा, डिवाइड करने पर मिलेगा, दैट इज 36/4, 48/4, आपको 34 के टेबल में 36 9 पर आता है और 4 के टेबल में 48 जो है 12 पर आता है, डिवाइड कर लोगे, डिवीजन 9/12 इज द आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल बी सेंडिंग यू होमवर्क आफ्टर।